नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज बात करूंगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, पीसीओएस जिसे हम कहते हैं। पीसीओएस एक ऐसी समस्या है, मतलब जिसमें हमारे अंडे नियमित रूप से नहीं बनते हैं, हमें महामारी समय पर नहीं आती है, हमें बच्चे होने में तकलीफ हो रही होती है, हमारे पीरियड्स या तो अनियमित और बहुत हैवी होते हैं, या कई बार दवाइयों के बिना पीरियड्स आते ही नहीं हैं। अब पीसीओएस में निसंतानता को लेकर जो सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है वो है अंडा बनने में। कई महिलाएं हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि हमें पीसीओएस है, हमें डॉक्टर ने बताया कि हमारे अंडेदानी में बहुत सारी सिस्ट है और हमारा अंडा समय पर नहीं बनता। पीसीओएस 3.5% से लेकर के 22.5% इंडियन पॉपुलेशन को है। अब ये परसेंटेज छोटा नहीं है। और क्यों इंडिया में पीसीओएस कॉमन है? ये क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। हमारी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे हमारी हैबिट्स बहुत सेडेंटरी होती जा रही, मतलब हम बहुत आराम पसंद हो रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, हमारी ईटिंग हैबिट्स पुअर होती जा रही है। हमारी ईटिंग हैबिट्स में जंक फूड का सेवन मान के चलिए हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार है। तो ज़्यादातर पीसीओएस अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा है और निसंतानता की एक इम्पॉर्टेंट वजह बनती जा रही है। अंडा समय पे नहीं बनता है और फूटता नहीं, तो ऐसी महिलाओं में अंडा कैसे बनता है? सबसे पहले जब पीसीओएस की महिला हमारे पास आती है, हम उनका बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं, मतलब उनकी हाइट के प्रोपोर्शन में उनका वेट कितना है। अगर वो उनका 25 से ज़्यादा है तो हम उन्हें वेट लॉस की एडवाइस देते हैं, और ये सीरियस मैटर है। अगर ये महिलाएं ध्यान से वेट लॉस कर लें और सफल हो जाएं कम से कम 10% अपना वेट लॉस करने में, तो कई बार अंडा अपने आप बन जाता है और प्रेगनेंसी झट से आ जाती है। कभी कभी हमें दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है, कई बार छोटी सी गोली से ही एग अच्छा बन जाता है, एग अच्छे से रप्चर कर जाता है और प्रेगनेंसी आ जाती है। कई बार हमें हॉर्मोन्स के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये महिलाएं आपस में वेट लॉस नहीं कर पा रही होती, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है और हमें सिर्फ पीसीओएस की वजह से भी आईवीएफ की मदद लेनी पड़ती है। जब ओवरीज का साइज ज़्यादा होता है, बहुत बल्की बहुत भारी ओवरीज होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एंट्रल फॉलिकल जिसको आप सिस्ट का नाम लेते हैं वो होता है, तो कई बार हमें दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा ओवरी में पंक्चर करना पड़ता है ताकि पीसीओएस का बल्क कम हो जाए और अंडरदानी बेटर फंक्शन कर सके। जब भी कोई यंग लड़की आती है आपके परिवार में या क्लिनिक्स में जिनको अनियमित रूप से पीरियड आ रहे हैं, जिनकी बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, कई बार उनको दवाइयाँ खानी पड़ी पीरियड लाने के लिए, तो उन्हें हमें लाइफस्टाइल के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। उन्हें आगाह करना चाहिए कि शायद आपको पीसीओएस की समस्या हो, और आगे चल के जब आप प्रेगनेंसी प्लान करो तो अपनी प्रेगनेंसी को आप डिले मत करो। अपनी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी फूड हैबिट्स को ज़रूर रखो ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्या ज़्यादा उत्पन्न ना हो। पीसीओएस ला इलाज नहीं है, लेकिन पीसीओएस बॉडी से गायब भी नहीं होता। हमें पीसीओएस को माइनस एस करना है, मतलब पीसीओ ओवरी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको सिंड्रोम नहीं बनाना। अगर हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, डाइट में जंक फूड का सेवन लगभग कट कर देते हैं, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का, तो कई बार हम पीसीओएस के एस को माइनस करके पीसीओ ओवरी के साथ भी प्रेगनेंसी आ सकती है और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।